वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली जीके एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, ब्रह्मोस मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वाणिज्यिक वाहक रॉकेटों की नई पीढ़ी स्मार्ट ड्रैगन का अनावरण किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्न में से किसे ऊर्जा मंत्री पद के लिए नामित किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, डेन ब्रोइलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के कितने वे संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी इस साल 19 दिसंबर को कोलकाता में होगी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 13वें संस्करण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की सहायता से भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किस नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, टेक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में किस नाम से भुखमरी से निपटने हेतु एक अभियान आरंभ किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, फीड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को औपचारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में बने राष्ट्रध्वज के आयात पर प्रतिबंधित लगा दिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टी के जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के आम चुनावों में जीत दर्ज की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप।
इसका आंसर है डी, दो नेटवर्क को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, वेब ब्राउजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पेरू धारा। ये अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा और कनारी धारा अंटार्कटिक महासागर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में स्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन निम्न में से किससे जुड़े होते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, उत्सर्जी तंत्र। ये थी आज की क्यूज। इस क्यूज में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।